हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण प्रणव जार स्टडी सेंटर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने सिंपल इंटरेस्ट का एक शानदार फॉर्मूला आपको बताया था, और अगर आपको हमारा वो वीडियो पसंद आया और अगर आपको वो फॉर्मूला अच्छा लगा तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं कि हमारा फॉर्मूला आपको कैसा लगा, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, या आपका कोई सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बतला सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो या हमारा वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा हो या वीडियो में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा हो, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक आईडी की लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर हमसे डायरेक्ट मैसेज करके अपने प्रॉब्लम को हमसे शेयर कर सकते हो। तो आइए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड आपको एक से एक अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन करवाने से पहले आपको ये फार्मूला रिविज़न करा दूँ जिसे मैंने पिछले क्लास में बतलाया था, और ये फार्मूला आपको आगे बहुत काम आने वाला है। मैं इसी फॉर्मूले से आपको साधारण ब्याज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखलाऊंगा। तो आइए आज की क्लास का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में ये 7 गुना हो जाएगी यदि दोनों स्थिति में ब्याज की दर समान हो। दोनों कंडीशन में हमको ब्याज का दर जो है वो इक्वल दिया गया है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या गिवन है। पी यहाँ से आपको आ जाएगा पी का वैल्यू, और यहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आ जाएगा। ओके, वो क्या आएगा हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई धन 3 गुना हो जाती है, और आपको मैंने ये 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना इस तरह के क्वेश्चन को पिछले क्लास में बतलाया था। 3 गुना हो जाती है कहने का मतलब कि 3 गुना में जो हमारा एक भाग है वो तो हमारा मूलधन है, और बाकी दो जो इसमें है वो हमारा ब्याज है। मूलधन यहाँ से 1 आ जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू यानी ब्याज का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा। मूलधन हम लोग पी से डिनोट करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज हम लोग SI से डिनोट कर रहे हैं। टाइम हमें गिवन है, टाइम हमको दिया हुआ है 10 साल, 10 ईयर टाइम दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग आइए वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मूलधन इज इक्वल टू 100 और सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज इज इक्वल टू समय गुने दर। ठीक है, ओके, तो आइए इसका वैल्यू पुट करते हैं। देन यहाँ से फिर आ जाएगा पी का वैल्यू हमें 1 आ गया था, इसको क्या किया हम लोगों ने 100 के इक्वल कर दिया। ओके, 100 के इक्वल कर दिया, और हम लोगों को जो सिंपल इंटरेस्ट 2 आया था 3 गुना में, दो एक तो मूलधन था हमारा उसको हम लोगों ने 100 के इक्वल किया, दूसरा हमारा ब्याज था जो 2 था, और इसको हम लोगों ने कर दिया समय इंटू दर के इक्वल। तो समय 10 वर्ष था और रेट हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ से रेट का वैल्यू आ जाएगा, अगर यहाँ से कट कीजिए तो यहाँ से 10, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा रेट का वो आ जाएगा 20%। यहाँ से R का वैल्यू आ जाएगा 20%, और दिया था हमारे क्वेश्चन में कि दोनों कंडीशन में जो है रेट का वैल्यू सेम है। तो हमारा दूसरा जो था वो था 7 गुना हो जा रहा है, 7 गुना हो जा रहा है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो है एक तो मूलधन होगा इसमें, और ये 6 जो होगा ये हमारा ब्याज होगा। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। मूलधन को इक्वल करेंगे हम लोग 100 के, और समय जो होगा और दर का गुणनफल जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो पी जो हमारा मूलधन है वो तो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 100 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और समय हमको फाइंड करना है और रेट हम लोगों ने निकाला 20%,
क्योंकि दोनों कंडीशन में रेट सेम था तो उसका 20 आया, तो इसके इसका भी वैल्यू 20 आएगा रेट का, जो कि किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से आप लोग टी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 30 ईयर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई धनराशि 5 वर्ष में 10% की दर से 1200 रुपये हो जाती है, वो धनराशि क्या होगी? ये हमें धनराशि ज्ञात करना है, यानी कि हमें मूलधन ज्ञात करना है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमको गिवन है टाइम, और टाइम कितना गिवन है, तो 5 वर्ष, 5 वर्ष समय दिया हुआ है। दर जो है वो 10% दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से मिश्रधन दिया हुआ है आपको, मिश्रधन दिया हुआ यानी अमाउंट दिया हुआ है कितना, वो दिया है आपको 1200 रुपये। मिश्रधन को ऐसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप लोगों को पता है कि 100 हमारा, हम 100 क्या करते हैं, मूलधन लेते हैं। ठीक है, और समय और दर का गुणनफल क्या होता है, ब्याज। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 50, यानी कि ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ से अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, और ये आ जाएगा 100 प्लस 50, जो कि आ जाएगा वैल्यू इसका 150। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अब वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, मूलधन को 100 के इक्वल कर देंगे। तो 100 इज इक्वल टू मूलधन हमें फाइंड करना है, तो ये पी हो जाएगा, और क्या होगा, समय गुणा दर जो ब्याज आता है। तो यहाँ से मिश्रधन किसके इक्वल हो जाएगा, यानी 150 जो इक्वल है वो, ये मिश्रधन का वैल्यू जो गिवन है उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से पी का वैल्यू फाइंड किए, तो यहाँ से पी का वैल्यू आपका आ जाएगा 800। ओके, तो यही हमारा मूल धनराशि होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धनराशि में 16% की वृद्धि करने पर ब्याज 2 वर्ष में 6400 रुपये बढ़ जाती है, ब्याज 6400 रुपये बढ़ जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो हमको मूलधन फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ से। तो आइए फिर से वही काम करते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि हमको गिवेन क्या क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। ओके, आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या गिवेन है। ओके, तो यहाँ से हमको रेट दिया हुआ है, और जो रेट हमको गिवेन है वो है 16%। ओके, देन फिर हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, जो वो आपको क्वेश्चन में दिया था कि 6400 रुपये बढ़ जाती है। बढ़ जाने का क्या मतलब, कि हमको ब्याज है वो 6400 रुपये दिया हुआ। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल अमाउंट था उसमें 6400 रुपया बढ़ गया, इसका कहने का ये मतलब है कि हमको ब्याज दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है आपको 2 साल, 2 ईयर जो है हमको टाइम गिवेन है। ओके, 2 ईयर हमारा टाइम दिया हुआ है, तो हम वही फार्मूला सेम अप्लाई कर देंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं। 100 को पी के इक्वल रखते थे, और हम लोग क्या करते थे, जो ये था समय और दर के गुणनफल को ब्याज के इक्वल रखते थे। तो 16 × 2 जो हो जाएगा वो हमारा 6400 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से पी का वैल्यू हमारा आ जाएगा, जो हमारा मूल राशि होगा, मूल धन, वो आ जाएगा 20,000 रुपया। ओके, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। एक सिंपल क्वेश्चन था। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल राशि क्या होगी यदि 7% की दर से 5 वर्षों के बाद धनराशि 1050 रुपये हो जाती है। 1050 रुपये हो जाती है, हो जाने का ये मतलब हो गया कि हमारा जो एक्चुअल अमाउंट था उसमें और जो वृद्धि हुई है, दोनों
ऐड करके जो हमारा उसके बाद अमाउंट आया वो गिवेन है, मतलब हमको जो ये गिवेन है हमको 1050 ये हमको मिश्रधन दिया हुआ है। ओके, ये हमको मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहले लिख लेते हैं कि हम लोग को दिया हुआ क्या क्या है, ये देख लेते हैं। तो पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है, यानी कि मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है 1050 रुपये। ओके, 1050 मिश्रधन दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 35। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 35। और ये कहाँ से हम लोगों ने निकाला, चलिए हमें टाइम गिवेन था, टाइम का क्या गिवेन था 5 वर्ष, और ये रेट गिवेन था हमको 7%। तो हमको पता है समय और धन का गुणनफल क्या लेते थे हम लोग, ब्याज। तो यही हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा वैल्यू आया वो 35 आया। सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया, अमाउंट पता है, और हम लोगों को फिर पता था वही वो क्वेश्चन कि 100 के इक्वल हम रखते थे मूलधन को, और 100 के इक्वल अगर मूलधन रखते थे तो हमारा समय और दर का गुणनफल ब्याज होता था। तो ब्याज 35 आया, तो मूलधन और ब्याज को जोड़ के हमारा क्या आता था अमाउंट। तो पी प्लस एस आई इज कॉल्ड अमाउंट। तो पी 100 और ये हमको 35 आ गया, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा 135। ओके, ये आ गया 135, ये हमारा क्या आ गया अमाउंट। अब इक्वल रख दीजिए 100 के इक्वल, पी कर दीजिए 100 के इक्वल, हमने पी कर दिया, और फिर यहाँ 135 के इक्वल हमारा जो मिश्रधन का वैल्यू है 1050 वो रख दिया। तो ये यहाँ से हमारा पी यानी कि मूलधन का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7000/9। यही हमारा। इस वीडियो में मैं आपको अलविदा कहने से पहले कुछ बातें बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, जार स्टडी सेंटर की हमारी पूरी टीम अपनी ओर से यह हर संभव प्रयास करती है कि हम आपके लिए जो भी वीडियो अवेलेबल करवाते हैं उसमें आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम प्रोवाइड करा पाएँ, चाहे वो जनरल कंपटीशन से रिलेटेड हो या फिर वो MBA की क्लास हो। तो हमारी टीम का यही उद्देश्य रहता है कि हमारे द्वारा दी गई नॉलेज हमारे देश के हर उस कोने कोने तक पहुँचे जहाँ हमारे मित्र पढ़ने के इच्छुक हैं, परंतु किसी कारणवश वो बाहर जाकर अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और ये सब आपके बिना संभव नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ़।